हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आज हम लोग सी यू टी की बात कर रहे हैं सी यू टी देखिए आप सबको बहुत आइडिया लग गया होगा सी यू टी क्या है क्या पैटर्न है क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं कितने मार्क्स का एग्जाम है कितना टाइम देना है मैं इन शॉर्ट एक बार आपको फिर से समझाता हूँ तो व्हाट इज सी यू टी एग्जाम तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है दिस इज बींग कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आईआईटी वगैरह के लिए भी करती है इसका जो फॉर्मेट होगा वो सीबीटी फॉर्मेट पे होगा दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इसमें आपके पास तीन सेक्शन होंगे पहला सेक्शन होगा आपका लैंग्वेज जिसमें ए एंड बी सेलेक्ट कर सकते हैं आप दूसरा होगा जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे और तीसरा होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आज जो मैं बात करने वाला हूं वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशली मैं कॉमर्स की बात करने वाला हूँ कॉमर्स में अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अकाउंटेंसी सो अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी जो बेसिकली आपका है सो फिफ्टी क्वेश्चन होंगे आपके और फिफ्टी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इस 50 क्वेश्चंस में से वी ओनली हैव टू डू 40 क्वेश्चंस जिसके लिए हमारे को 45 मिनट्स मिलेंगे अब सिलेबस क्या है सीयूटी क्या है हम बात कर चुके हैं उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी की मैं बात कर रहा हूँ और अकाउंटेंसी में जो पेपर का पैटर्न है वो पैटर्न क्या है तो पैटर्न मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चंस आने हैं और उस 50 क्वेश्चंस में से वी जस्ट नीड टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स घबराना बिल्कुल भी नहीं है सारे जो पेपर्स होंगे वो क्लास ट्वेल्थ के बेसिस पे आएंगे क्लास ट्वेल्थ में जैसे हमने दो सेक्शंस में डिवाइड करा था पहला सेक्शन हमारा था जिसमें एन एंड पार्टनरशिप था दूसरा सेक्शन होता था जो कंपनी अकाउंट्स को करता था एंड तीसरा जो था हमारा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था बेसिकली तो जो पार्ट वन है जिसमें मैंने एनपीओ पार्टनरशिप और कंपनी बोला मैंने इसको एक में ले लिया और दूसरा जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको मैंने सेकंड में ले लिया सो बेसिकली एनपीओ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ये पहला चैप्टर है हमारा फिर पार्टनरशिप में आपके पास फंडामेंटल चेंज इन पी एस आर वैल्यूशन ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डेथ ऑफ अ पार्टनर रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर ये चैप्टर्स होंगे कंपनी अकाउंट्स की मैं बात करूं तो आपके पास इशू ऑफ़ सेल्स इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स एंड नेक्स्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है उसकी भी बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी जो आप यूनिट फोर देख यूनिट सिक्स देख रहे हैं इसमें आपके पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक्चुअली देखा जाए तो इसमें हमारे पास फोर चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी सेकेंड कंपेरिटिव स्टेटमेंट कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियोज और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इसमें वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट उंटिंग तो करने, करने के बाद वो इनकरेक्ट हो गया तो बेसिकली माइनस वन हो जाएगा वन मार्क्स शुड बी डिडक्टेड हमने कुछ भी आंसर नहीं करा तो बेसिकली जीरो मार्क्स हमारे को मिलने वाले एंड नेक्स्ट कंडीशन होगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में गलती है कोई क्वेश्चन में गलती है तो जैसे पहले होता था फाइव के फाइव मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे इन शॉर्ट आपका जो फोर्टी मार्क्स का फोर्टी क्वेश्चन का पेपर है वो एक क्वेश्चन इज इक्वल टू फाइव मार्क्स एंड जो टोटल पेपर होगा अकाउंटेंसी का वो दो सौ मार्क्स का होगा सो so, ये बेसिकली एक इनिशियल आइडिया हो गया कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी नेक्स्ट कैसे हम सीयूटी के प्रिपेयर करें तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले रिवाइज करने चाहिए सारे चैप्टर्स रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों इट विल टेक आई थिंक टेन डेज क्योंकि रिसेंटली हमने अब टर्म वन दिया है टर्म टू दिया है तो टर्म वन की मैं बात करूं तो आपने टर्म वन को थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया लेकिन टर्म टू तो आपने रिसेंटली करा है उसको तो मैं ये कहता हूं कि आप फाइव से सिक्स डेज में कर सकते हैं टर्म वन में कंपैरेटिवली थोड़े से सिलेबस uh, ठीक था तो उसमें आप देखोगे तो उसको भी आपको मेरे ख्याल से मोर लेस आप है जैसे एनसीआरटी की बुक आपकी डिटेल में खत्म हो जाती है देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग चैप्टर वाइज एमसीक्यू हर चैप्टर के एमसीक्यू हमने लेने हैं और उस चैप्टर के एटलीस्ट 50 एमसीक्यू करने हैं और वो डेली बेसिस पे हमें हर चैप्टर का डेली बेसिस पे करना है कुछ चैप्टर्स आपके बहुत ही अच्छे होंगे कुछ टॉपिक आपके बहुत ही अच्छे होंगे लेकिन कुछ टॉपिक या चैप्टर बहुत अच्छे नहीं भी हो सकते हैं तो उस कंडीशन में उस चैप्टर और उस टॉपिक को हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करके उसमें ज़्यादा डिटेल स्टडीज करके आप कर सकते हैं फिर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए एंड बेस्ट पार्ट इज़ वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि 50 क्वेश्चन होंगे एंड 40 क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट और रीडिंग टाइम इन शॉर्ट कुछ भी नहीं होगा और उसी को हमें 45 फाइव मिनट्स में करने की जरूरत है एंड द लास्ट पार्ट इज रिमेन मोटिवेटेड यू शुड बी मोटिवेटेड ऑल टाइम क्योंकि ये जो पेपर है वो डेफिनेटली आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है बस मोटिवेटेड रहना है, है और बेस्ट अपना देना है जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट नेक्स्ट वन इज मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं आज आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके लिए ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये एनपीओ का क्वेश्चन है और एनपीओ की मैं बात करूं तो एनपीओ में आपके कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें पहला जो क्वेश्चन आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड आता है दूसरा फंड बेस्ड आता है तीसरा स्टॉक कंजम्शन बेस्ड आता है और चौथा जो होता है हो, वो कैलकुलेशन और कुछ एक्सपेंसेस के लिए भी होते हैं सो टुडे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ये जो पहला हमारा क्वेश्चन है दिस इज अ फंड बेस्ड क्वेश्चन दिस इज अ फंड फंड बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा को आपको ट करके समझा देता हूं फंड बेस्ड होता क्या है फंड बेस्ड देर आर टू टाइप्स ऑफ फंड जनरल फंड होता है और स्पेसिफिक फंड होता है जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड बोथ आर द कैपिटल इनकम आपने पढ़ा होगा कि जनरल फंड एंड स्पेसिफिक फंड आर द कैपिटल कैपिटल फंड जनरल फंड कैन ऑल्सो भी कॉल अनरेस्ट्रिक्टेड फंड क्योंकि वहां रेस्ट्रिक्शन नहीं होती और उस फंड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो स्पेसिफिक फंड है वहां रेस्ट्रिक्शंस होती है लेट्स हैव अ नेम ऑफ दिस जैसे जनरल फंड की मैं बात करूं तो जनरल फंड में नाम जैसे कैपिटल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस और या जनरल फंड कोई इस तरह के इंफॉर्मेशन गिवेन है सो दैट इज अ गुड एग्जाम्पल बट सो फार एज द स्पेसिफिक फंडर्न इसमें एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं जैसे टूर्नामेंट फंड हो गया बिल्डिंग डेवलपमेंट फंड हो गया प्राइस फंड हो गया तो बेसिकली इसमें कि जितने जो फंड है वो स्पेसिफिक रीजन के लिए हैं, तो दैट इज अ कैपिटल रिसीट और जो भी कैपिटल रिसीट होता है दैट्स नीड टू बी कंसीडर इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट फॉर सेकंड जो इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है मैंने कहा जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड दोनों आपके कैपिटल नेचर के इनकम है एंड हैंस शुड बी कंसीडर्ड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट सेकंड जो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है बच्चों वो ये रखनी है कि वॉट इनकम इज बींग जनरेटेड एंड वॉट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेज इज बींग जनरेटेड हैज़ टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द स्पेसिफिक फंड इन द लाइवलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट तो so बेसिकली हम एक स्पेसिफिक फंड की बात करें जैसे कहा मैंने मैच फंड की बात करें जैसे एग्जाम्पल तौर पर बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब हैं जो स्पोर्ट्स क्लब्स टाइम टू टाइम मैच कराते रहते हैं तो डेफिनेटली दे विल कलेक्ट अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स और उसका एक फंड बनाते हैं फिर अदर सोर्स से भी उनके पास इनकम आता है जैसे कहा मैंने नॉन मेंबर्स से भी मिलता है वो हम उसमें सम अप कर लेंगे बिकॉज दैट इनकम इज इज फॉर मैच फंड ओनली और उस फंड में से जितना भी हमने एक्सपेंस कर दिया है उसको हम यहां से रिड्यूस कर देते हैं दिस इज द लॉजिक तो इसमें करना क्या है मैच फंड आपके पास वन का दिया हुआ है इसमें इसमें से आप मैच फंड आपका ये 150 का गिवन है इसमें आपने 20,000 सो वन फिफ्टी प्लस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस वन फोर्टी सो द आंसर वुड बी 30,000 और ये 30,000 है, so so 30 30 है ये करेक्शन कहां कर रहे हो आप मैंने बता दिया आपको ये स्पेसिफिक फंड है एंड दिस नीड टू बी कंसिडर्ड इन द लाइवरी साइड ऑफ योर बैलेंस इसका जो ऑप्शन होने वाला है वो आपका ऑप्शन है थर्टी थाउजेंड ऑन द लाइवी साइड ऑफ बैलेंस शीट बिकॉज वट एवर यू डू फॉर द स्पेसिफिक फंड टू बी डन इन द लाइवरी साइड ऑफ योर बैलेंस शीट आई होप इेक्ट इट्स क्लियर ओके सो नेक्स्ट वन वन वुड बी सोसाइटी हैज फोर हंड्रेड मेंबर्स ईच पेंग एंड एनअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज हंड्रेड सब्सक्रिप्शन डू एट द एंड ऑफ द ईयर इज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज थर्टी एट थाउजेंड बच्चो यह सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है

और नथिंग इज स्टेटेड मतलब ये सारे मेंशन भी हैं और आपको पूछा गया कि टोटल अमाउंट कितना आप कलेक्ट कर पा रहे हो तो सिंपली द नंबर ऑफ मेंबर्स इज मल्टीप्लाइड विद द एनुअल सब्सक्रिप्शन जैसे ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट हाफ का देखूं जैसे आपके पास गिवन आज सोसाइटी हैज फोर हंड्रेड मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ क्वेश्चन इतना ही रहता तो आपको पता है कि फोर हंड्रेड इन हंड्रेड करके द आंसर वी फोर्टी थाउजेंड

वो वाला अक्रूवल सिस्टम वाला फंडा यहाँ लगाते हैं इसमें ये क्वेश्चन की मैं बात करूं इस क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत तरीके से करे हो करा होगा एक आपका जो सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने का तरीका होता है बुक्स वगैरह में मेंशन है काफ़ी आपने स्कूल में प्रैक्टिस करी होगी इसमें एक तो आपका इक्वेशन फॉर्म होता है जो नहीं पढ़ाया जाता नॉर्मली लेकिन हमें इक्वेशन फॉर्म ही यहाँ अडॉप्ट करना है क्या ये डिफ़िकल्ट है नहीं ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट फॉर्म और अकाउंट फॉर्म की तरह ही है इसमें मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे करते हैं सिमिलर तरीका आपने स्टेटमेंट फॉर्म में भी समझा होगा क्योंकि इसके लिए हमारे को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसलिए हम उतना ड्रॉ नहीं करते हम डायरेक्टली इसको आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू एस आर प्लस ओ एस टू प्लस ए एस वन प्लस ए एस वन माइनस माइनस ओ एस वन माइनस ए एस टू ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट इसलिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं देखिए वन का मतलब क्या है यहां मैंने वन लिया है कहीं कहीं और यहां मैंने कहीं कहीं टू लिया इसका मतलब क्या होता है सपोज इफ आई कंसीडर वन एस अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो कैन आई कंसीडर टू एज द एंड ऑफ द ईयर जैसे मैं वन को ओपनिंग ईयर कंसिडर करूं ओपनिंग ईयर कंसिडर करता हूं तो क्या मैं टू को क्लोजिंग ईयर कंसिडर कर सकता हूं ठीक है तो जहां जहां मैंने ओ एस लिखा है बच्चों ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और टू लिखा है इसलिए करंट ईयर के लिए है या एंड ऑफ द ईयर के लिए है वन जहां जहां मैंने लिखा ये बिगनिंग के लिए है तो देखिए टोटल फॉर्मूला क्या बना है एस का मतलब होता है टोटल सब्सक्रिप्शन एसआर का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर ओएस टू का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड एस वन का मतलब क्या होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ओएस वन का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग एस टू का मतलब क्या होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड तो आपको पता है कि अक्रोअल सिस्टम में अक्रोल सिस्टम में एक छोटी सी लिमिटेशन भी है मैं थोड़ा सा लॉजिक कनेक्ट कर रहा हूं हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको लॉजिकली इसको समझ में एक बार आ जाए आई नो आपको आता है लेकिन मैं थोड़ा सा लॉजिकली इसको और स्ट्रॉग करने की कोशिश करता हूँ वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द अक्रोवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है अक्रोअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एक जो सबसे बड़ी पॉजिटिव uh, पॉइंट और एक लिमिटेशन के तौर पे देखें वो है टाइम पीरियड टाइम पीरियड बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए जस्ट टेक एन एग्जाम्पल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल हम कोई टाइम पीरियड फॉलो कर रहे हैं जो अप्रैल 2020 से लेके और 31 मार्च 2021 तक की बात कर रहे हैं हम right? राइट ये हमारा सपोज करंट ईयर है तो फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेके थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 तक की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यू हैव टू कंसिडर

जैसा कि मैंने बताया कि अक्रूल सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसमें कैश प्लस जो रिसीव पार्ट और अनरिसीव पार्ट है जो एक्सपेक्टेड है टू बी रिकवर्ड इन दिस ईयर उसको भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ये हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की मैं बात करता हूं तो जो करंट ईयर के लिए जो अनरिसीवड अमाउंट है जो अनरिसीवड अमाउंट फ्रॉम द मेंबर्स हैं वो भी हमें एक्सपेक्टेड है एंड दैट इज द लॉजिक व्हाई इट इज़ बीइंग एडेड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग की मैं बात करूं तो दो एडवांस आपको प्रीवियस ईयर में मिला था जो एडवांस आपको प्रीवियस ईयर में मिला था तो जो भी एडवांस आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा एक्चुअली दैट एडवांस इज इनकम इज एन इनकम फॉर द करेंट ईयर कैन रिपीट दिस एडवांस आपको जो मिला था एडवांस इन द बिगनिंग जो मिला था दैट इज एन एडवांस एंड दैट कैन बी यूज एज अ ट्रू इनकम फॉर द करंट ईयर एंड दैट इज द लॉजिक कि हम एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग को करंट ईयर का इनकम मान लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में एडवांस था इस साल में ये एडवांस इनकम नहीं एक रूटीन इनकम है एंड दैट इज द लॉजिक वाई दिस नीड टू बी एडेड और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग की मैं बात करूं तो बहुत सिंपल है ये जो इनकम है लेकिन दिस इनकम इज एक्चुअली एक्सपेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर दिस इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द करंट ईयर दिस इनकम वाज एक्सपेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर एंड दैट इज द लॉजिक वाई इट्स नीड टू बी सब्ट्रेक्टेड ना द क्वेश्चन इज कि इसको क्यों सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेटिव वी अंडरस्टैंड दैट वी एंटिसिपेट दमाउंट ऑफ लॉस है इंस्टेड ऑफ एंटिसिपेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्रैक करने का एक लॉजिक होता है आपके दिमाग में लॉजिक आता होगा सर ये क्यों सब ट्रैक करें इसमें तो एडेड ही नहीं है तो एज पर दंजर्वेटिव ये गिवन है इसका मतलब है कि ये हमारे सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड दिखा रहा होगा वहां सो जस्ट ट्राई टू एक्सक्लूड दिस बिकॉज दिस इनकम बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर जैसे मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर इससे पहले का जो भी होगा दैट्स नीड टू बी सब्रैक्टेड एंड दैट इज द लॉजिक ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है नेक्स्ट जो एडवांस सब्सक्रिप्शन की मैं बात करूं ये जो एंड वाला है एंड का मतलब करंट ईयर के लिए जो मिला है तो जो करंट ईयर के लिए मिला है दिस इज गोइंग टू बी एज अ नॉर्मल इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन जो इस साल मुझे मिला है दिस इज गोइंग टू बी एन इनकम फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड द लॉजिक वाई इट्स नीड टू बी सब्रैक्टेड आई होप यू अंडरस्टैंड तो इसके ऊपर आप देख लीजिए क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन गिवेन है आपके पास आप 400 हंड्रेड मेंबर्स है एक मेंबर हंड्रेड रुपीज का दे रहा है उसके बाद सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर इज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज थर्टी एट थाउजेंड तो इसका मतलब है कि आउट ऑफ दीज इंफॉर्मेशन मेरे पास जो क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए मेरे पास दिया हुआ है करंट ईयर एंड दिस इज थर्टी एट थाउजेंड ये थर्टी एट थाउजेंड की वैल्यू मेरे पास यहां दे रखी है आप देख सकते हैं

अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा ये फाइंड आउट करना है really देखिए आपके पास फोर हंड्रेड हैं फोर हंड्रेड मेंबर्स हैं आपके पास फोर हंड्रेड मेंबर्स हैं आपके पास फोर हंड्रेड मेंबर्स हैं आपके पास 400 है आपके पास फोर हंड्रेड और एक मेंबर आपको हंड्रेड रुपीज का देता है फोर हंड्रेड मेंबर्स हैं आपके पास और एक मेंबर आपको 100 रुपीस पे कर है। इसका मतलब है कि जो टोटल आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी चाहिए वो फोर्टी थाउजेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन आपने एक्चुअली कितना रिसीव कर लिया फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सो इट सिंपली मीन्स की आपने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए होगा सो so ये जो फोर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड आपने रिसीव कर लिया है और एक्चुअली होना कितना चाहिए फोर्टी थाउजेंड होना चाहिए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सो दैट मस्ट बी योर एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड एंड यही आपका आंसर भी है तो ये कितना हो जाएगा फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड आप एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड के फॉर्म में यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन है आपका ये वाला पॉइंट फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड वाला दिस वुड बी द राइट आंसर आई होप यू अंडरस्टैंड छोटी छोटी बारीकी वाले जो पॉइंट्स हैं उनको करिए एवरी टाइम जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो जब भी हम जैसे प्रैक्टिस करवाएंगे वा, कर आपको या प्रैक्टिस हम आप करोगे तो जब भी प्रैक्टिस आप करेंगे तो एवरी थिंग शुड बी कनेक्टेड विद द लॉजिक इनिशियली लॉजिक से कनेक्ट करने के लिए हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे लेकिन जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे में मॉक टेस्ट जब करेंगे तो ये आपको फास्ट काम देगा और एकदम एक्यूरेट काम देगा कभी भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे तो ट्राई टू कनेक्ट योर कॉन्सेप्ट इनिशियली उसके बाद आंसर्स निकलेगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन जब आप इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आज आज जितना टाइम लगा है कल कम लगेगा और कम लगेगा और इस तरह से क्या होगी परफेक्शन बढ़ती जाएगी और आपका जो है रिजल्ट जो है वो कन्वर्जन बहुत ही अच्छा रहने वाला है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन साइमसरिपर एंडियसर इन द बिगनिंग ऑफ द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर है ये डे टू डे बेसिस इनकम है यह हमारा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन की जो कैलकुलशन होती है ये इनकम एंड

क्वेश्चन से आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो यू सिंपली कंसीडर दैट वी हैव 450 मेंबर्स एंड ईच मेंबर इज विलिंग टू पे 100 बक्स तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आना चाहिए 45000 टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए 45000 सो इट मींस सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन ठीक है जब भी इस तरह का क्वेश्चन है और आपको Total amount credited. Bola hai. So you are not concerned with the advance, you are not concerned with the outstanding. Simply, the number of members is multiplied with the price. Just make a multiplication, you will come to know the answer. <coughs> In a hospital, the opening stock of medicine is 45,000 and closing stock is 22,000. During the year 153, worth of medicine was purchased. The amount of medicine consumed to be. देखो बेटा ये स्टॉक कंजम्पशन का मैटर होता है स्टॉक कंजम्पशन में हमने बहुत पढ़ा है कि मेडिसिन का हम स्टॉक कंजम्पशन का निकाल सकते हैं स्टेशनरी का निकाल सकते हैं तो इस तरह से स्पोर्ट्स मटेरियल का निकाल सकते हैं ये होता है इसमें जो फार्मूला होता है दो फॉर्मूले लगते हैं और जो पहला फार्मूला होता है वो ये होता है और उसी की डिस्कशन में आपका ये आंसर निकल जाएगा उसमें हमने सीखा था कि परचेजेज में जो आपके पास गिवन है ज में और जब परचेज को थोड़ा इलाबरेट कर देता हूं परचेजेस जब भी गिवन होता है इसका मतलब होता है इट 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 इज इज दैट अ कंप्लीट कंप्लीट परचेजेस का मतलब क्या होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज सो इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द परचे आई मीन कंप्लीट परचेजेस आपके पास गिवन है तो जब भी आपके पास परचेजेस गिवन है तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो सिंपली फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं ये आपके पास परचेजेस गिवन है परचेजेस हमारे पास वन लैख फिफ्टी थ्री थाउजेंड का गिवन है इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देना है इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को वी नीड टू सब्ट्रैक्ट तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगा ये दिस इज योर नेट स्टॉक कंज्यूम्ड ज योर नेट स्टॉक कंज्यूम तो देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना गिवेन है सो ओपनिंग स्टॉक हियर आई फाइन दैट फोर्टी फाइव थाउजेंड का गिवेन है तो so, आपने सिंपली फोर्टी फाइव थाउजेंड ऑन अकाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक मैंशन है बेटा ट्वेंटी टू थाउजेंड का तो so, इसमें आप ट्वेंटी टू थाउजेंड माइनस कर दीजिए तो so, ये जो कैलकुलेशन है ये आपको नेस्ट स्टॉक कंज्यूम तक पहुंचा देगा तो so, देखो वन फिफ्टी थ्री प्लस फोर्टी फाइव तो तो बच्चे हो जाएंगे कि सर, ये answer तो नहीं है नहीं और भी कैलकुलेशन है तो so, so, we'll so, का जो भी पॉइंट होगा वो आपका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका दिस वुड बी योर आंसर फॉर्मुला सेम लगाना है बच्चों परचेज इज ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक लॉजिक भी सेम है आपने ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है जो प्रीवियस ईयर से जो अनसोल्ड अनसोल्ड अनयूज स्टॉक है दैट इज बीइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर दैट इज द करंट ईयर और इस ईयर में हमने और भी स्टॉक परचेज करे होंगे तो वो एड हो जाएगा जो ओपनिंग स्टॉक कैरी फॉरवर्ड हुआ था और इस साल में हमने जो परचेज करा वो इसमें वैल्यू में एड हो जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमने क्लोजिंग स्टॉक कुछ बच जाता है कुछ रिमेनिंग स्टॉक बच जाता है जिसको हम नहीं सेल कंज्यूम कर पाते हैं Uh, इसको हम नहीं कंज्यूम कर पाते हैं तो बेसिकली वो रह जाता है तो इसका मतलब हमने कंज्यूम कितना करा तो हमारे पास जो इनिशियल स्टॉक था और हमने जो परचेज करा और उसमें से हमने अनयूज स्टॉक को माइनस कर दिया तो विल कम टू नो अबाउट द नेट स्टॉक कंज्यूम आई होप यू अंडरस्टैंड इसके बाद मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे चलता हूं देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपियर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बट नॉट इन अ बट नॉट इन अ रिसीज एंड पेमेंट अकाउंट तो सबसे पहले आप ये देखें कि कौन से ऐसे आइटम हैं जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी आएंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आएंगे तो एक कॉमन पॉइंट है देखिए जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की हम बात करते हैं तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वी कैन रिकॉर्ड बोथ द थिंग्स कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट बोथ बट इनकम एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो इनकम एक्सपेंडिचर में जो डे टू डे बेसिस पे होता है या जो ईयरली बेसिस पे होता है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं इट मीन्स वी आर ओनली रिकॉर्डिंग रेवेन्यू इनकम एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दोनों में कॉमन पॉइंट क्या हो गया दोनों में कॉमन पॉइंट यह हो गया कि रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू पेमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यह दोनों में कॉमन है कुछ चीजें जो नॉन कैश आइटम वाली होती है वो भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं और इसमें मैं सीधे सीधे बता दूं तो डेप्रिशिएशन वाला जो अमाउंट है दिस इज ए नॉन कैश आइटम तो डेफिनेटली जो नॉन कैश आइटम होगा वो

प्रॉफिट फॉर द इंटेड टू profit लाख to द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू तो पार्टनर बहुत सिंपल सा कंडीशन है सबसे पहले आप ये यह देखेंट है इनकी रेशियो कितनी है टू इज टू टूज टू वन की है सो so, इसका मतलब हो गया टू इज टू 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 वन का मतलब हो गया टू बाई फाइव ए का हो गया टू बाई फाइव बी का हो गया एंड वन बाय फाइव सी का हो गया इज द फर्म्स प्रॉफिट इज वन सिक्सटी देखिए कोई एक्सपेंसेस मेंशन नहीं है द नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन सो देन इट बिकम्स द बिकम्सल प्रॉफिट अब मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसमें प्रॉफिट और डिविजल प्रॉफिट अलग होता है ना वट इज अ प्रॉफिट प्रॉफिट विदाउट एक्सपेंसिस भी हो सकता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म हो सकता है बट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स एक्सपेंसेज सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन तो उसके बाद या इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स की कलेक्शन के बाद जो अमाउंट बचता है उसको डिविजल प्रॉफिट बोलते हैं तो यहां सिंस एक्सपेंसेस नहीं मेंशन है तो इसी अमाउंट को हम नेट प्रॉफिट भी मान लेंगे और इसी अमाउंट को हम डिविजल प्रॉफिट भी बोलते हैं ना व्हाट इज अ डिविजल प्रॉफिट पार्टनरशिप में प्रॉफिट डजेंट बिलोंग्स टू सिंगल पार्ट

सिमिलरली बी का भी रेशियो जो है वो similarly है तो बी को भी चला जाएगा एंड सी का जो होगा वो आपका थर्टी टू थाउजेंड हो जाएगा तो जिस कंडीशन में आपको ये वाला मिल जाए तो वो होगा तो हमें कहाँ मिल रहा है बच्चों ये सी वाला जो ऑप्शन है ये हमें करेक्ट लग रहा है सिंपली वन लाख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइड बाई फाइव और उसको मल्टीप्लाई टू से कर लीजिए तो ए को मिल जाएगा सिमिलरली बी को मिल जाएगा क्योंकि दोनों के रेशियो सेम है और सी के लिए वन बाय फाइव कर दीजिए तो दिस इज द आंसर आंसर इज सी नाउ आई एम गोइंग टू गो द नेक्स्ट क्वेश्चन सो ये क्वेश्चन है वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रोफिट विच आर विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट क्या क्या आप एड करते हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताता हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज बता नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं हमें कभी कभी याद नहीं होता है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता क्या क्या है मैं एक शॉर्ट फॉर्म देता हूं आपको कभी मत भूलिएगा ये शॉर्ट फॉर्म क्या है ये शॉर्ट फॉर्म है डी आई एल पी डब्ल्यू डी ये शॉर्ट फॉर्म है डी का मतलब क्या होता है डेप्रिशिएशन डी का मतलब डिप्रीशियशन आई का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिचर लोन्स एंड बोरिंग्स एल का मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पी का मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिचर्स डब्ल्यू का मतलब राइट ऑफ इंटर्जल एसेट्स एंड डी का मतलब है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिचर्स तो आप देख सकते हैं जितने भी मैंने टर्म्स बोले वो सारे टर्म्स यहां अवेलेबल हैं डिस्काउंट ऑन इशू डिचर्स भी मैंने बोला आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी बोला मैंने आपको डेप्रिसिएशन भी बोला तो क्या इसका आंसर होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द Above. क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको यहां मिलने थोड़ा सा लॉजिक से कनेक्ट करिए बेटा क्योंकि को 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 कर लेकिन आप जब लॉजिक के साथ करेंगे तो हर क्वेश्चन में थोड़ा सा इनिशियली ज्यादा टाइम लेगा लेकिन फाइनली मैं बता सकता हूं कि हर क्वेश्चन आपका करेक्ट होएगा ठीक है तो एट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग एट वाला क्वेश्चन है रेंट पे टू अ पार्टनर टू देखिए रेंट पे टू द पार्टनर तो रेंट पे टू द पार्टनर जो होगा वो कैसे हम करेंगे सबसे पहले इसकी एंट्री समझ लेते हैं इसकी एंट्री होता है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट रेंट पेबल अकाउंट घबराने की जरूरत नहीं ये आउटस्टैंडिंग रेंट की तरह ही होता है जैसे हम जर्नल एंट्रीज आउटस्टैंडिंग रेंट का करते थे वैसे ही करेंगे सो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट बेटर टर्म इज रेंट पेबल अकाउंट सो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट एंड सेकेंड जो एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्यों ऐसा करते हैं हम क्योंकि इट इज अ चार्ज और जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है हैज टू बी हैज टू बी पास थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इसलिए हम इसकी जो एंट्री पास करते हैं पी एन एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट करते हैं तो ये आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सॉरी सी बी वाला सॉरी बी वाला जो ऑप्शन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला करेक्ट है

नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल बाय फर्म इज लाख रुपीज एवरेज प्रॉफिट इज ऑफ़ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10% तो so, आपको पता है कि आपके पास जो कैपिटल है तो थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों तो so, आपके पास दे so, है आपके पास ये कैपिटल इंप्लॉयड आपके पास फाइव लाख ,00 रुपीज का गिवन है दे हैव गिवन यू कैपिटल इम्प्लॉयड ऑफ रुपीज फाइव लाख इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमने निकाल लेना है तो बहुत इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ बच्चों टेन परसेंट का नॉर्मल प्रॉफिट है सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा टेन परसेंट ऑफ फाइव लाख इसका मतलब है कि नॉर्मल प्रॉफिट का जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है वो फिफ्टी थाउजेंड कैलकुलेट कर लिया है क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपऑन हंड्रेड सो फाइव लैख इंटू टेन अपॉन हंड्रेड विल गिव यू फिफ्टी थाउजेंड और आपके पास एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है आपके पास एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है यहां एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज सिक्सटी थाउजेंड तो देखो आपके पास एवरेज प्रॉफिट ये है और नॉर्मल प्रॉफिट ये है सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा सुपर प्रॉफिट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो टेन थाउजेंड वुड बी योर द आंसर तो टेन थाउजेंड जहां भी आपको मिलता है जैसे ये इस वाले

सो वी नीड टू पुट सम एक बार से देखते हैं देखें सबसे पहले हमें क्या की निकालने की जरूरत है हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से हमारे पास ये एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड सो विद द हेल्प ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ दिस हम कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे और कैपिटलाइज वैल्यू का आपको फॉर्मूला पता ही होगा कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट दू लैक ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है टेन परसेंट दिया हुआ स्टेप so, so, right. हमारा क्या होना चाहिए कैपिटल so, लेकिन एक फॉर्मुला जो है वो है टोटल एसेट्स माइनस टोटल डायबिटीज

इसमें एक्स जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वाई जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जेड जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा आई मीन टू से जितना ओल्ड पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेगा दैट इज द न्यू शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर हियर सो बेसिकली यहां एम का शेयर निकाल रहे हैं सो so, एक्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट देखिए आप सो एक्स इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग वन थर्ड ऑफ हिज शेयर सो हिज शेयर इज थ्री बाय सिक्स सो ही इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग वन बाय सेक्स

54 LCM 9 plus 3 plus 1. So that should be how much? 13 by 54. So, yes, the option C is correct. I hope you got it. Now, moving to the next question 13. When a partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to. So, the amount is debited to the current account. The entry should be new partners' current account debit to sacrificing partners' capital account. So, basically, B is the correct answer. We need to pass through the current account of a new partner. I hope you understand. Now, moving to the next question. देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ अ फर्म विद कैपिटल ऑफ एंड लाख सी वाज एडमिटेड फॉर वन थर्ड शेयर इन द प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड एज कैपिटल कैलकुलेट द अमाउंट सो बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हिड एन गुडविल वन द गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन सो दिस इज द कंडीशन ऑफ हिड एन गुडविल मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट uh, के साथ

मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहा हूं बच्चों सो टोटल कैपिटल निकालने के लिए 340 न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल इंटू शेयर दैट इज 3 बाय 1 सो दिस शुड शुड बी बी हाउ मच दिस दिस 10 लाख 20000 इज 10 लाख 20000 दिस इज द फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप इज फाइंड द अवेलेबल कैपिटल सो अवेलेबल कैपिटल इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस न्यू पार्टनर्स सो हियर The old partner's capital is 180 and 2 lakh respectively of A and B and new partner's capital is 3 lakh 40,000. Just make a total of this. So 340 plus 2 lakh 540 plus 180 will give you how much? 7 lakh 20,000. Now, in order to ascertain the firm's goodwill, firm's goodwill, the formula is total capital. Minus available capital. So, total capital comes out to be like 10 lakh 20,000. So, this is 10 lakh 20,000 and the available capital is 720. So, the firm goodwill is 3 lakh. So, this is option number D is correct. Option number D is correct. I hope you understand this. ठीक है आपने क्या करा टोटल कैपिटल निकाल लिया फिर आपने अवेलेबल कैपिटल निकाल लिया और फर्म गुडविल देखिए इनिशियली कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को क्वेश्चन को जब आप कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फाइनली जब आप मॉक पेपर्स करते रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी होगी जब भी आप ये देखें तो पहले क्वेश्चन को देखें ट्राई करें खुद और फिर यह सॉल्यूशन को देखो इट विल रियली हेल्प यू यूर लॉट ठीक है बच्चों मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन This is the question. A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4s to 3s to 2. Decided to share future profit losses in the ratio of 2s to 3s to 4. With effect from 1st April to 2021, workmen compensation reserve appearing in the balance sheet is 45,000. And on, on and a claim on account of workmen compensation is estimated at rupees 54,000. Submit 45,000. This is the available reserve. This is the available reserve. कंडीशन क्या है फिफ्टी फोर क्या है दिस इज द्लेम्ड अमाउंट सो इन दिस क्वेश्चन इज मोर देन दैल्यू ऑफ एवेलबिलिटी फोर थाउजेंड इज द क्लेम्ड अमाउंट एंड फोर्टी फाइव थाउजेंड इज द एवेलेबल तो जब भी आप इसका न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट के ये लाइबिलिटी साइड में कितना दिखाएंगे फिफ्टी फोर थाउजेंड दिखा देंगे सो बेसिकली दिस नीड टू बी प्लेस इन टू द न्यू बैलेंस शीट उंटेड टू रूपीज फिफ्टी फोर थाउजेंड अब हम देखते हैं किस ऑप्शन में ऑप्शन है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड इज सोन एज अ क्लेम ऑन अकाउंट अकाउंट ऑफ वर्कमेन कंपनेशन इन न्यू बैलेंस इंड येस दिस इज करेक्ट सी ऑप्शन इज करेक्ट दिस ऑप्शन इज करेक्ट राइट मूविंग टू द नेक्स्ट A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 4 is to 3 to 2. Decided to share profit equally. Goodwill of the firm is valued at rupees 10,000. 800, the adjusting entry will be. adjusting adjusting entry, if there is a profit, so the entry should be gaining partner's capital account debit to sacrificing partner's capital account. But if there is a loss, then the entry should be reversed. Like sacrificing partner's capital account debit to gaining partner's capital account. But in this question, आपको एडजस्टिंग एंट्री जब भी पूछा जाए लाइक गुडविल दिया हो रेशियो चेंज हो रहा हो सो द एंट्री शुड बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट द सेफाइसिंग रेशियो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने आपको फॉर्मुला बताया हुआ है मैं फिर से बता देता हूँ वाई कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो द फॉर्मुला इज ओल्ड माइनस न्यू दिस इज द फॉर्मूला सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू सो नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस ए का दैट इज फोर बाय नाइन Minus one third. B ka three by nine minus one third. C ka two by nine minus one third. So this is nine. So this is one by nine. So while calculating the sacrificing ratio, if the fraction is positive, so this partner is sacrificing. Second condition is this. 3 minus 3 so that is 0 by 9 so neither he is sacrificing nor he is gaining next one is this so this partner is having the negative ratio so this past partner must be a gaining partner entry capacity value of gaining to sacrificing so the entry should be the entry should be c's capital account debit to a's capital account

डेबिट हो रहा है एंड द अमाउंट इज ट्वेल्व हंड्रेड सो यस सी ऑप्शन कैलकुलेट करने के लिए इज ओल्ड माइनस न्यू और आपको एक और बहुत अच्छी चीज पता होगी जब भी आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा दैट पार्टनर बिकम्स द गेनिंग ठीक है तो आपने एंट्री क्या पास करनी है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हियर यू फाइंड जो सी है वो नेगेटिव में आ रहा है सो दिस पार्टनर मस्ट बी अ गेनिंग पार्टनर So, the entry should be C's capital account debit to A's capital account. But amount, we have 10,800 ka. So, 1 by 9th of 10,800, that should be 1,200. So, option number C is correct. Got it? Now, moving to the next. <clears throat> C's share in the firm is 3 by 12. He retired and his share is taken by partner A and B in the ratio of 3 to 2. न्यू रेशियो बिट्वीन ए एंड बी इज सेवनटीन इज टू थर्टीन ओल्ड रेशियो अमंग ए बी एंड सी वोज तो इसमें आपको ओल्ड रेशियो निकालना है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट और इसमें मैं आपको बहुत एक ईजी तरीका बताता हूं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो देखो जब भी आप रिटायरमेंट करते हैं तो रिटायरमेंट के क्वेश्चन के लिए आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो सो द फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड इसी से फॉर्मूला आप निकाल लेंगे सो बेसिकली वाइल कैलकुलेटिंग द ओल्ड रेशियो द फॉर्मूला ओर बी न्यू माइनस गेनिंग इट right. तो ये वाला जो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है बिकॉज आपको ओल्ड शेयर निकालने की जरूरत है तो बहुत इजीली है सी इज रिटायरिंग पार्टनर ही अर्लियर हैज अ अ हैविंग शेयर ऑफ थ्री बाय ट्वेल्व इसने थ्री बाय ट्वेल्व का थ्री बाई फाइव थ्री बाई फाइव इसने ए को कंट्रीब्यूट कर दिया टू बाई इसने बी को कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया था तो जस्ट लेट्स फाइंड आउट दिस अमाउंट सो थ्री बाई ऑफ थ्री बाई सो दैट इज नाइन बाय B का निकाल लेते हैं टू बाय फाइव ऑफ थ्री बाई टैट इज सिक्स रिटायरिंग पार्टनर ने सैक्री है ए मतलब so का मैं निकालू तो इसका न्यू शेयर कितना है इसका न्यू शेयर है सेवनटीन इज टू थर्टीन सो इसका मतलब सेवनटीन बाई थर्टी इज हिज न्यू रेशियो इसने गेन कितने से कर लिया नाइन बाय सिक्सटी से तो माइनस नाइन बाय 60, बी का न्यू रेशियो कितना है 13 बाय 60 और इसने gain कितने से कर लिया 6 by 60 ग्स है सी है? कैलकुलेट तो कर लीजिए 60 हो गया ये हमारा सो so, 34 फोर माइनस नाइन विल गिव यू ट्वेंटी फाइव बाई इसका भी कैलकुलेट कर लीजिए सो दिस इज This is actually 13 uh, by 30. This is actually 13 by 30. So this is 26 minus 6. So that would be 20 by 60. And this could be simplify karnegile, equalize karnegli 5 se multiply karna paragraph. Ka. So that would be 15 by 60. So the new PSR, I mean the old PSR between A, B, and C uh, was 25 is to 20 is to 15. Simplify it.

ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और राइट मूविंग टू द नेक्स्ट आर एस टी एंड पार्टन इन सेन इज टू वन ऑन यूज दट हिस्सा जर्नल एंट्री फॉर आर तो इसमें सारा नहीं कैलकुलेट करना है सिर्फ हमारे को आर का कैलकुलेट करना है तो आर का जब गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस शुड बी द गेनिंग रेशियो द फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड सो आर का द न्यू रेशियो इज थ्री बाय फाइव थ्री बाय फाइव एंड ओल्ड रेशियो वॉज थ्री बाय एट ओल राइट सो मूविंग टू दिस फोर्टी सो दिस इज ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टीन सो दैट वुड बी नाइन बाय फोर्टी सो ये नाइन बाय फोर्टी से क्या कर रहा है गेन कर रहा है ठीक है और इसमें बोला है कि वाई का जो शेयर है वो हमारे पास फोर्टी फाइव थाउजेंड का है आप सबसे पहले ये सर्च करें कि वाई कितने शेयर के लिए है तो वाई सॉरी यू यू इज फॉर वन बाय एट सो इफ वन बाय एट यू से यू इज फॉर वन बाय एट इज फोर्टी फाइव थाउजेंड सो इट मीन्स द फर्म्स टोटल गुडविल विल बी थ्री सिक्सटी थाउजेंड

So f k the new ratio is f k the new ratio is 3 by 10 and the old ratio is 4 by 10. So it means he is sacrificing by 1 by 10 all right So he is sacrificing by 1 by 10. So the firm total goodwill is four lakh 4 lakh so he should be credited by 40000 why he should be credited because he is a sacrificing partner so he should be credited by 40000 so yes c option option c is correct next question realization account is prepared to ascertain first profit or loss on realization of assets second profit or loss on repayment of liabilities third a and b both None of the above. So basically, profit on realization of asset as well as the liabilities also. So, yes, option C is correct. I hope you understand. Now, moving to the next. Identify the asset which is not transferred to realization account from the following. Is it bills receivable? Is it cash in hand or bank? goodwill or prepaid expenses so yes cash in hand or bank because cash in hand and bank is already in form of cash so nothing is being converted so that's the logic why it is not being transferred to realization account so yes the option b is correct now moving to the next question which of the following should be recorded in realization account is it advertisement suspense account no why because this is an accumulated losses and accumulated losses is not going to be transferred free reserves this is a reserve this is a general reserve and it is not going to be transferred profit and loss debit balance not because this is a loss so basically bank overdraft need to be transferred so option number c is correct moving to the next question <clears throat> If the vendor are issued fully paid sales of eight lakh in consideration of net assets of to be six lakh, then the balance of two lakh will be. Again, I repeat: if the vendors are issued fully paid sales of eight lakh in consideration of net assets of six lakh, then the balance of two lakh will be paid will be debited to goodwill account. Will be debited to goodwill account. So option number B is correct next option which of the following statement is true so authorized capital less than issued capital no authorized capital is more than issued capital paid up capital is more than issued capital no so option number b is correct authorized capital is more than the issued capital moving to the next <clears throat> those preferences which do not enjoy the right to share the additional profits comes under the category of is it irredeemable preferences Option number B participating preferences, non-cumulative preferences, or non-participating preferences. So this is the characteristics of non-participating preference. So option number D is correct. Now, reserve capital is also known as capital reserve, no. Subscribed and fully paid up capital, no. Subscribed but not fully paid up capital, no. So none of the above. Yes. So this is none of the above. So D option is correct. Moving to the next question. H Limited had allotted. ट्वेंटी थाउजेंड्लिक्वेंटी बच्चोंटा का क्वेश्चन है सो बेसिकली आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा यू नीड टू कैलकुलेट लाइक दिस So, sales applied for is 28,000 and sales allotted is 20,000. It is given in the question. So, let's go simplify. Earlier. So, 7 and. Sorry, this is 7 and 5. 4 7s are 28, 4 5s are 20. Now, the applied share is 840. The applied share is 840. So, allotted will be x. So, just do the cross multiplication. So, x equals to. एट फोर्टी इंटू फाइव फाइव अपॉन सेवन सो अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर वुड बी सिक्स हंड्रेड सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गिवेन आपको अप्लाइड इज नॉट गिवेन तो आपको एक्स लेना है इसको एक्स लेना है दिस क्वेश्चन हमने शेयर अपलाई कितने के लिए करा था करा था ट्वेंटी एट थाउजेंड अलॉट कितने करे थे कंपनी ने ट्वेंटी थाउजेंड सो देर इज अफाई मैंने कर लिया तो सेवन इज टू फाइव का रिलेशन बन गया अब एट फोर्टी वेयर अप्लाइड फॉर एट फोर्टी वेयर अप्लाइड फॉर तो इसको अलॉट कितना करेंगे तो so, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये वैल्यू निकाल ली सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट राइट सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन्थ विद द रेफरेंस ऑफ टू डिवेंचर्स पिक द ऑड वन आउट सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट Internal equity, specified return, loan capital. So, basically B. B option is the odd one, odd. So, this is the answer. Now, purchase con consideration can be paid partially by check. B, acceptant, acceptance. Issue of debentures at par, premium or discount, all of the above. So, yes, this is all of the above. A concept is purchase of consideration. Uh, issue of debentures in consideration other than cash ka. तो उसमें आपने पार्शली डिवेंचर्स के थ्रू से भी पे कर सकते हैं पार्सली आप चेक से पे कर सकते हैं पार्सली बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से पे कर सकते हैं सो ऑल ऑफ राइट सो इसमें सारा अकोमोडेट हो जाएगा चेक भी आप कर सकते हो एक्सेप्टेंस दैट इज बिल्स पार में कर सकते हो प्रीमियम में कर सकते हो डिस्काउंट में कर सकते हो ऑल आर अवेलेबल सो यस ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आकाश लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम चरण लिमिटेड फॉर रुपीज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड एंड इश्यूड नाइन परसेंट डिवेंचर ऑफ रुपीज

सिंपली हो जाएगा सिंस ये क्वेश्चन प्रीमियम का था इसलिए मैंने लगाया टोटल अमाउंट पेबल अपॉन यूनिट प्राइस ऑफ प्लस प्रीमियम आई होप यू अंडरस्टैंड मूविंग टू क्वेश्चन थर्टी थाउजेंड सिक्सेंट रिडीमेबल आफ्टर फाइव इंट्रांसफर टू डी आर आर विल बी कि बैंकिंग ऑल बैंकिंग कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड टू क्रिएट डी आर आर रिडमशन ऑफ डिचर्स चैप्टर का क्वेश्चन है सो ऑल द बैंकिंग आर आर एंड डी आर आई सो डी आर आर बोलने के लिए बोला है तो इसमें कुछ भी क्रिएट हम नहीं करते हैं सो येस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसम थर्टी थाउजेंड सिक्स डिवेंचर ऑफ हंड्रेड इच एट अम ऑफ एट परसेंट ऑन जून थर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन how much amount it has to invest in a specified securities on or before april 30th 2021 so basically we need to require we uh, required to invest certain amount on a counter debenture redemption investment right so here also the all the banking companies are exempted to transfer the required amount to drr drr and dri so nothing has to be invest no amount is to required to invest in dri i hope you understand next question while preparing the balance sheet of the company securities premium is shown under major head so it would be shown under the shareholders fund under shareholders fund there are three conditions share capital reserve and surplus money received against share warrants so securities premium reserve always comes under the sec, uh, reserve and surplus which is a component of sub head of shareholders fund so yes option number c is correct now moving to the next which of the following item is shown under the head fixed tangible assets while preparing the balance sheet of a company? So goodwill is not an answer, non-current investment inventory. Basically, the option is D. D is a fixed tangible assets. Unclaimed dividend is shown in equities and liabilities items or balance sheet under the heads. Yes. The option is option is current liabilities. So option number C is correct next one a firm is earning a good profit but it became bankrupt because first option is earning having increased more rapidly than sales second the firm has positive net income but has failed to generate the cash from operation third net income has been adjusted for inflation sales have not been improved even though credit policy have been eased no so the option b is correct this is the reason this is the reason why any firm can become bank recover. This is one of the reason. Actually, there are many reasons. This is one of the reason. So the second option is correct. The firm has positive in net income, but has failed to generate cash from operation. Day to day income, he they from comp the company failed to generate day to day operation uh, money. So basically, this option B is quite correct. Now moving to the next, the process of comparing. Various financial factors of a company over a period of time is known as inter firm comparison, ratio analysis, intra firm comparison, and inter industry comparison. So, yes, it is an intra firm comparison. So, option number B is correct. Moving to the next question 39th. The main objective of common size statement is to present the changes in various items. True. To provide for a common base for comparison. Very good. To establish relation between various items, all of the above, all factors are required in this. Moving to the 40th question. The main objective of a common size statement of profit and loss is to present change in assets and liabilities. No, it is not relevant because we are talking about common size profit and loss. Next, to judge the financial soundness, it is also not relevant.

विच रेशियो इज कॉम्प्लीमेंटरी टूच अदर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वैसे ही आप लोग आंसर दे दो यू गाइज आर वेरी स्मार्ट तो इसमें आपको पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल गिव यू हंड्रेड परसेंट सो ऑपरेटिंग रेशियो का भी गिवन हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इजिली निकल जाता है सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग रेशियोज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सेकेंड If LR has total debt of 370, long term debt is 220 and current asset of 3 lakh, ,00 then the then its current ratio will be बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं देखो आपके पास टोटल डेट दिया हुआ है they have given you the total debt so total debt is of 3 lakh seventy thousand long term debt is That is two lakh twenty thousand. So subtracting the long-term debt from the total debt, you will come to know about the current liabilities. So your current liabilities is one lakh fifty thousand. And yes, current asset has already given in the question of rupees three lakh. So now we can easily apply to the current ratio. The formula is you all know current assets upon current liabilities. So three lakh. Upon 150,000. So the ratio is 2 is to 1. So option number C is correct. Alright. Now moving to the next question. The best definition of capital employed in calculating the rate of return on investment is current asset plus gross fixed assets, current asset plus non current assets, working capital plus gross fixed asset, working capital plus non current assets. So yes, D option is current. Correct so non-current asset if combined with working capital so it will give you the true information of capital employed so basically the option number d is correct now moving to the next question 44th a firm current ratio is 3 to 1 if the current liabilities is 80,000 then its working capital will be so we need to understand see current ratio is 3 is to 1 so if current liabilities this, this represented by the current assets and this is represented by the current liabilities so if the current liabilities is 80,000 so definitely your current assets would be how much 2 lakh 40,000 agreed and working capital nikalne ke liye humare ko kya karna hota, beta? current assets minus current liabilities so now we have an availability of both so current assets here is 2 lakh 40,000 and current liabilities here is 80,000 so basically that there is a difference of 160000 so this is the answer of your working capital so this is the answer of your working capital so option number b is correct now moving to the 45th question a firm working capital is 90000 its current ratio is 3.5 is to 1 its current assets will be it's really simple see so basically there is a working capital in order to understand the working capital the formula is current assets Minus current liabilities. So three I'll consider X also 3.5x minus 2x will give you how much? 90,000. So x equals to 90,000 upon 1.5. So this should be how much? 60,000. So suppose your x is 60,000. So while calculating the current assets, current asset is 3.5 times higher than this. 3.5 times higher than this. So 60,000 into 3.5. So yeah, 2 lakh 10,000 would be the right answer for your current assets. So option number C is correct. Alright. Moving to the next question, 46. Which of the following will not lead to decrease in cash and cash equivalent? Increase in debtors, increase in inventory, increase in bills payable, increase in prepaid expenses. We all learn in फ्लो स्टेटमेंट जब भी आपकी करेंट लाइब्रेरी इंक्रीज होती है इट कॉज इन डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्व डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्ट वैलेंट बिकॉज इट विल इंक्रीज योर कैश एंड कैश इक्वेंट सो यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो वी हैव टू रीड एंटायर पैरा हि एंड वी हैव टू मार्क ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट सो लेट स्टार्ट विद लेट स्टार्ट रीडिंग दिस सो टैलेंट Uh, इसको रीड भी करना है बेटे और इसको आपको मार्क भी करना है इंपॉर्टेंट टर्म्स क्योंकि पैरा के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वी नीड टू आंसर दैट सो टैलेंट स्पोर्ट्स क्लब इज एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स टैलेंट फ्रॉम रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री आइडेंटीफाई विद दिस नोवल कॉज मिस्टर मनोहर इंडस्ट्रीज डोनेटेड फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी लैक ऑन फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्टल एंड मेस फॉर अपकमिंग स्पोर्ट्स मैन

We have collected fifty lakh, right? And we have already spent thirty-five lakh out of which. Now he also noted that NPO had a capital fund of one crore and twenty lakh. So we need to remember this also in the beginning of the year. Other important points that noted were the NPO had two thousand regular members. This need to be noted, and every members is willing to pay two thousand. So two thousand are the number of members quantity, and this is.

Next one is 20 members had paid for 2020, 20, uh, 2020 and 2021 in advance. Out of which five had paid in advance for 21, 22. Uh, so basically the 20 members have 20 members may say 5 members. 5 members is paid for the next year. So that is advanced subscription at the end. So it means out of 20, if 5 members is paid for the next year, advance at the end. So 15 members are meant for the current year. So this is advance in the beginning.

जो टोटल कैपिटल फंड है वो वन करोड़ ट्वेंटी लाख का है टू थाउजेंड रेगुलर में टू थाउजेंड पर एन पे कर रहे हैं और स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द जो करंट ईयर का होगा एट द एंड होगा वो वन एटी में सॉरी प्रीवियस ईयर का होगा वो वन एटी का है आपके पास जो करंट ईयर का है वो वन हंड्रेड एंड टेन मेंबर्स का है तो ये सब इन्फॉर्मेशन है कि एडवांस इन द बिगनिंग कितना है एडवांस एट द एंड कितना है एवरीथिंग इज स्टेटेड तो इसको अच्छे से फोकस करना क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पे बनेगा देखते हैं क्वेश्चन

आपको मैंने दिखाया था यहां आपको मैं फिर से प्रीवियस स्लाइड पे ले जाता हूं इसमें आपने 50 building, right? अब इसी के हमें समझना है सो अमाउंट ऑफ थर्टी फाइव लैख स्पेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी रिफ्लेक्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नो दिस नॉट ट्रू वाई बिकॉज ये स्पेसिफिक फंड है और यह यहां नहीं आता है रिफ्लेक्टेड ऑन द एसे next reflected as a deduction from building fund and addition to the capital fund so basically second and third option is correct why because 35 lakh worth rupees building has already been constructed so it becomes an asset so that is the reason why it is shown in the asset side of balance sheet which the uh, option number two is suggesting third one is it need to be deducted It need to be deducted from the building fund because earlier we had फिफ्टी लाख उसमें से हमने थर्टी फाइव लैख खर्च कर दिया तो वहां से रिड्यूस हो जाएगा एंड इट्स नीड टू बी एडेड टू द कैपिटल फंड सो दिस वन इज करेक्ट बोथ सेकेंड एंड थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर द सेम नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी सो उसके लिए हमने सीखा था देर वेर वन एटी मेंट So, 180 multiplied by 2000, so that would be the 360,000 would be the right answer. जो आपने देखा है कि मैं हम लोगों ने already यहाँ कर रखा है। आप देख सकते हैं ये 180 members हैं और एक member कितना pay कर रहा होगा 2000। So 180 into 2000 will give you 360,000. <clears throat> so this is the answer. Moving to the next question, this is the last question. So the amount of subscription in Arian on 31st March 2021 would be the answer is 2 lakh ट्वेंटी थाउजेंड मैं आपको फिर से वो स्टेटमेंट पे लेके चलता हूँ पैरा पे लेके चलता हूँ अब देखो कितने मेंबर्स हैं हंड्रेड एंड टेन मेंबर्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च और एक मेंबर ने कितना पैसा देना है टू थाउजेंड सो कितना होगा हंड्रेड टेन मल्टीप्लाइड बाई टू थाउजेंड विल गिव यू टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड सो द ऑप्शन नंबर टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड ए इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग आप वीडियो को जब भी आप सॉल्व करें तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले खुद सॉल्व करिए उसके बाद यू कैन चेक यूर आंसर विथ दिस मैं मैंने कोशिश करी है कि बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट के साथ भी कनेक्ट करूँ इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करके इसको समझाया है आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल बेस्ट विशेज फॉर सी यू टी हैप्पी लर्निंग थैंक यू सो मच दिस इज़ अमितयर थैंक यू सो मच